जयसवाल साहब ये क्या चमत्कार कर दिया आपने, मतलब माना राजस्थान को क्वालिफाई होने के लिए मैच जीतने की जरूरत थी, लेकिन उस चक्कर में तो आपने केकेआर के बॉलर्स की रातों की नींद ही उड़ा दी। भाई बता रहा हूँ, पूरी केकेआर की टीम सोच रही होगी ये क्या प्रैंक हो गया हमारे साथ। इतना बुरा तो वैसे कोई प्रैंक भी नहीं करता यार, ये लड़का कल इनके बॉलर को सांस तक नहीं लेने दे रहा था। देखो मजा बहुत आया, बहुत ही एंटरटेनिंग इनिंग्स थी, लेकिन अगर सेंचुरी हो जाती तो दिल को थोड़ी और खुशी मिलती। ट्रूली भाई यशस्वी जयसवाल ये टैलेंटेड लड़का इंडियन क्रिकेट में नेक्स्ट बिग थिंग होने वाला है। तो मैं रात को जाता था, पानी पूरी बेचता था। एक दिन ऐसा हुआ, मैं जिन लड़कों के साथ खेलता था वो पानी पूरी के शॉप पे आ गए, वो मुझे देख रहे थे, मुझे बहुत बुरा लगा और मैं भाग गया। फास्टेस्ट आईपीएल 50 लगा दी, वो भी सिर्फ 13 बॉल्स में। लेकिन भाई आपकी टेक्निक ही गलत है, इतनी बॉल्स तो हमारे ओपनर सेटल होने में लगा देते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इन भाई को लगता है किसी ने बताया नहीं कि इंडियन टीम में सिलेक्शन तेज खेल के थोड़ी होती है। भाई केएल राहुल का टाइम सही में अच्छा नहीं चल रहा है, फॉर्म तो गया ही था, अब इंजरी के चक्कर में WTC से भी बाहर हो गया, और एक बचा खुचा आईपीएल में रिकॉर्ड था किसी को बताने लायक, वो भी अब नहीं रहा। ये लो यशस्वी भाई पानी पी लो, टेक अबाउ सुन सुन के थक गए होंगे। भाई बैटिंग करो तो ऐसी करो कि तुम्हारे सीनियर प्लेयर्स भी तुम्हारी तारीफ करने लगे, वरना ओपनिंग तो पृथ्वी शॉ भी कर लेता है। पर मेरी क्यों मारी? कल तो इनिंग भी ऐसी थी कि अपने विराट भाई को भी यशस्वी की तारीफ करनी ही पड़ी। कल विराट भाई ने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली, लेकिन अपना चीकू इतना भोला है कि स्टार का ब्रांड एम्बेसडर हो के जियो सिनेमा को फ्री में प्रमोट कर दिया। कोहली भाई आपको क्या लगा क्रॉप करके वापस रीअपलोड कर दोगे तो हमें पता नहीं चलेगा? हमें स्टार स्पोर्ट्स बता के खुद जियो सिनेमा में डिफरेंट एंगल्स पे मैच देखे जा रहे हैं। आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम। कोहली भाई थोड़ा देख के यार, मैच में तो वैसे ही आपके पैसे कटते रहते हैं, कई स्टार वाले भी अब काटना ना शुरू हो जाए। दोस्त भिखारी नहीं आप, बहुत पैसे अपने पास। और भाई ये कम नहीं था तो दूसरी तरफ सूर्या भाई जियो के ब्रांड एम्बेसडर होके स्टार स्पोर्ट्स में मैच देख के उसकी स्टोरी डाल रहे हैं। चल क्या रहा है ये, भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। देखो जयसवाल भाई, माना तुम्हारी इनिंग्स क्लास अपार्ट थी और एक्सक्लूसिव थी, लेकिन मैं पहले ही क्लियर कर दूं, अगर टीम में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए कड़ी मेहनत और परिश्रम के साथ ऐसे इंटरव्यूज देने पड़ेंगे। आई कैन बी द बेस्ट फिनिशर नॉट जस्ट फॉर राजस्थान रॉयल्स बट फॉर इंडिया इन इयर्स टू कम। आई हैव गॉट द स्किल सेट, आई हैव गॉट द ऑलराउंड एबिलिटी। आर यू कमेंटिंग मी? देखो भाई बात सिंपल है, कैप्टन हो तो संजू सैमसन जैसा। जयसवाल 94 पे था दूसरे एंड पे, तो सुयश की लास्ट वाइड बॉल को डिफेंड करके उसको स्ट्राइक दे दी अगले ओवर के लिए, ताकि उसको भी अपनी सेंचुरी बनाने का मौका मिले। वैसे संजू भाई मैं कह रहा था कि जेस्चर तो बड़ा अच्छा था, लेकिन अगर आप एक दो सिक्सेस कम लगाते थे तो शायद एक्चुअली सेंचुरी बन जाती। बस जस्ट अ सजेशन। लेकिन देखो इन अ वेरी ट्रू सेंस जेस्चर काफी अच्छा था संजू की तरफ से, और आई थिंक रन रेट बढ़ाने के चक्कर में संजू ने भी दूसरे एंड से हिटिंग करी थी, उस चक्कर में सेंचुरी रह गई। चांस तो था मारने का, लेकिन सामने लॉर्ड थे, सिक्स की जगह फोर लग गया। बट भाई नो डाउट कल संजू सैमसन के भी सिक्सेस एकदम देखने वाले थे, बट भाई इस सीन को देख के ना एकदम विराट और धोनी वाले सीन की याद आ गई। देखो यार केकेआर का ये छोटा सा टारगेट 40 बॉल करके स्पेयर हो गया था, तो अब उनका नेट रन रेट उतना ही नीचे गिर गया है जितना मेरी एक्स के सामने मेरी इज्जत। तो इनकी पोजीशन और इनका नेट रन रेट अब ज्यादा ऊपर नहीं आने वाला, यानी इनकी आईपीएल की ये बंपी जर्नी अब तुम ओवर ही समझो। और राजस्थान की पोजीशन अब अच्छी हो गई, जिससे आज का मैच मुंबई वर्सेस गुजरात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आज तुम क्रिकेट एक्सचेंज फैंटेसी पे अपनी एक अच्छी सी टीम बनाओ और कोशिश करो कि तुम्हारी फेवरेट टीम मैच जीते और तुम्हारे फेवरेट प्लेयर्स परफॉर्म करें। देखो तुम्हें यहाँ पे एक फ्री कॉन्टेस्ट मिल जाएगा जहाँ पे तुम 20,000 तक जीत सकते हो। ये कॉन्टेस्ट तुम्हें हर आईपीएल मैच में मिल जाएगा, तो तुम आराम से ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा और भी बड़े सारे कॉन्टेस्ट है जिसमें तुम बहुत बड़े बड़े प्राइज जीत के निकल सकते हो। कल की मेरी टीम की तो किस्मत ही खराब थी, कैप्टन अच्छा नहीं चला और वाइस कैप्टन ने डिसेंट परफॉर्मेंस दे दी। आज के मैच में एंड में अपनी टीम दिखा दूंगा और इस बारी तो जीत के निकलेंगे यार। एंड तुम्हें मेरी तरह ओपी टीम्स बनाने की जरूरत नहीं, अगर तुम यहाँ पे डिसेंट टीम भी बनाते हो तो तुम यहाँ पे बहुत आसानी से जीत सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 1 करोड़ के सपने थोड़ी दिखाए जाते हैं, यहाँ तो एक्चुअली पैसे जीते जाते हैं। डिपॉजिट्स और विड्रॉल की कोई टेंशन नहीं है, एकदम ट्रस्टवर्दी ऐप है, तुम प्ले स्टोर पे इनकी रेटिंग भी चेक कर सकते हो, टेंशन नहीं है, हाईएस्ट है बाकी फैंटेसी ऐप से। ऑल्सो भाई लोग आजकल जो मैं वीडियो में स्कोर कार्ड यूज कर रहा हूँ वो क्रेक्स ऐप की यूज करता हूँ, जो कि इन्हीं की एक ऐप है और वो क्रिकेट मैचेस के स्कोर वगैरह फॉलो करने के लिए काफी सही ऐप है यार, तुम एक बार उसे भी चेकआउट कर सकते हो। तो भाई डिस्क्रिप्शन से या प्ले स्टोर से क्रिकेट एक्सचेंज फैंटेसी को जाके डाउनलोड कर लो, और अगर मेरा कोड पाहुल यूज करते हो तो तुम्हें 500 का एक्स्ट्रा बोनस मिल जाएगा अपने फर्स्ट डिपॉजिट पे। अभी तक नहीं करा डाउनलोड कोई बात नहीं, होता है, कर लो आराम से जाके। वैसे भाई तुम सोचो, मैच से पहले कल टेलीग्राम पे प्रेडिक्शन डाला था और कुछ महापुरुषों ने ये बोल ही दिया था कि जयसवाल या बटलर में से कोई एक सेंचुरी भी बना सकता है। ये 18% अंतर्यामी लोग कौन यार, मैं इनसे मिलना चाहूंगा। खैर पॉइंट ये है कि टेलीग्राम की प्रमोशन करनी थी, तो उसको भी ज्वाइन कर लो जाके, आज के मैच में भी बढ़िया पोल्स रखेंगे। नीतीश भाई ये गली क्रिकेट थोड़ी चल रहा है, जो आपने बोला कि मैं कैप्टन हूं तो सबसे पहले मैं ही बॉलिंग करूंगा।
भाई नीतीश राणा को पिछले मैच की जीत के बाद अच्छी कैप्टनसी के लिए खुद शाहरुख खान का फोन आया था कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। ओवर कॉन्फिडेंस में आगे पहले ओवर में ही मैच राजस्थान को गिफ्ट कर दिया। नीतीश भाई बच के, अब फोन नहीं आएगा, कुछ और ही आएगा। लेकिन देखो कोई बात नहीं, हो जाता है, एक टैक्टिकल मूवी था। अगर इसी बॉल पे विकेट मिल जाती तो भाई लोग इसको मास्टर स्ट्रोक बोलते। बट जिस तरह जयसवाल की इनिंग्स ने रायना की हमें पंजाब के अगेंस्ट वाली इनिंग्स की याद दिला दी थी, वैसे ही नीतीश राणा की बॉलिंग ने कोहली की बॉलिंग की याद दिला दी। अब इतना तो तय है कि भाई पहला ओवर गेम का कभी नहीं डालने वाले। बट यार एक बात बताओ, राजस्थान के सारे प्लेयर्स बटलर को रन आउट करने में क्यों लगे रहते हैं भाई? बाकी बैट्समैन मंदिर जाते हैं ताकि फॉर्म वापस आ जाए, ये जो रूट के लिए भी कोई मंदिर बताओ यार जिससे उसकी बैटिंग तो आए। ये कैसी नाइंसाफी है, दो मैच से बैटिंग बोल के सिर्फ फील्डिंग करवा रहे हैं। भाई लगता है बेन स्टोक्स और आर्चर ने जितना चूना लगाया ना इस साल अपनी टीम्स को, वो सारा ये जो रूट से वसूलने वाले हैं। वैसे माय नॉट पॉइंट टू बी नोटेड हियर, बटलर इस मैच में रन आउट हुआ, गुस्से में है और अगले मैच में बहुत मारेगा। जयसवाल तो अपने फॉर्म ऑफ लाइफ में चल रहा है, संजू भाई के भी सिक्सेस बहुत तेज पड़ रहे हैं और जो रूट तो दो मैचेस से बैटिंग करने को तरस रहा है। इससे बस मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कि इनका अगला मैच आरसीबी के साथ है और उनकी शानदार बॉलिंग ऐसे बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट भगवान ही बचाएगा। अब तो यार चहल भाई का आईपीएल का फॉर्म भी मेरी पैंट की जिप की तरह है, कभी अप तो कभी डाउन, कभी अप तो कभी डाउन। बीच में विकेट लेना छोड़ देते हैं लेकिन फिर आके अब बैक टू बैक दो फोर विकेट हॉल ले लिए। भाई पहली बार ऑलमोस्ट 10 साल बाद अपना एक इंडियन बॉलर लीडिंग विकेट टेकर बन चुका है आईपीएल में। यूजी चहल ने चैंपियन ब्रावो को छोड़ के 184 आईपीएल विकेट्स कंप्लीट कर ली है। अफसोस यही प्लेयर रेड एंड ब्लैक में आरसीबी को रिप्रेजेंट करते हुए यही फीट आराम से अचीव कर सकता था। लेकिन बात जब भरोसा दिखाने की आती है और प्लेयर्स को बैक करने की होती है तो तुम तो जानते हो आरसीबी लाइन में सबसे पीछे होती है। मामले में खैर राजस्थान रॉयल्स माहिर है भाई हीरे को परखने में और फिर पूरी मदद भी करते हैं उसको चमकने में। बट भाई सोचने वाली बात है, आईपीएल हिस्ट्री में लीडिंग विकेट टेकर है बंदा, 2022 में पर्पल कैप भी जीती थी और अभी इस सीजन का भी करंट पर्पल कैप होल्डर है, फिर भी ये बात हजम नहीं होती कि इसने इंडिया के लिए एक भी T20 वर्ल्ड कप का मैच नहीं खेला है। चहल भाई को सिर्फ बायलैटरल में खिलाते हैं और वर्ल्ड कप में तो तुम्हें पता है ये मिस्त्री ले जाते हैं। खैर देखो केकेआर से तो चहल भाई को बदला लेना ही था यार, मामला थोड़ा पर्सनल था, उनके असली कैप्टन को रील्स बनाने से फुर्सत जो नहीं है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। देखो राजस्थान की इस विन के बाद उनके क्वालिफिकेशन चांसेस आरसीबी से तो डबल हो चुके हैं और क्योंकि केकेआर बाहर है तो दिल्ली और हैदराबाद को भी बाहर ही समझो। दैट मींस सीएसके और गुजरात टाइटंस को अगर हम टॉप टू में सिलेक्ट कर ले उसके बाद थर्ड और फोर्थ पोजीशन के लिए रियल कंटेंडर्स यहाँ पे राजस्थान, लखनऊ, आरसीबी और मुंबई है। पंजाब का तो तुम्हें पता ही है भाई, जितना भी ट्राई कर ले लेकिन वो लगातार दो तीन मैचेस तो नहीं जीत पाएगी। और भाई आज के मैच के बाद काफी कुछ क्लियर हो जाएगा कि मुंबई इंडियंस कहाँ स्टैंड करेगी। अगर ये मैच जीत जाती है तो भाई इसके क्वालिफिकेशन चांसेस एकदम गुजरात और सीएसके जितने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। एंड वही अगर गुजरात टाइटंस जीत जाती है तो टूर्नामेंट एक बार फिर से वाइड ओपन हो जाएगा। देखो मैंने अपनी टीम बना ली और अगर सब सही रहा तो मजा बहुत आने वाला है। यार मैं कॉमेंट्स पढ़ रहा होता तो काफी लोग कहते हैं कि तुम मुंबई के अगेंस्ट बहुत बायस्ड हो और मुंबई को हेट करते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, अगर मुंबई इंडियंस बाकी टीम से अच्छा खेल रही है तो मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि वो टूर्नामेंट जीते जाके। तो देखो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं किसी भी टीम को हेट नहीं करता हूं, हम सब यहां पे मजे ही ले रहे हैं। तो इसीलिए भाई आज मैंने कोशिश करी कि रोहित भाई का फॉर्म फिर से वापस आ जाए इसलिए उनको कैप्टन बनाया और दूसरी जगह वाइस कैप्टन कर्स के लिए अपन ने हार्दिक पांड्या को चूज करा है। तो तुम भी अपनी आज की टीम बना लेना और ये वाला कॉन्टेस्ट जरूर ज्वाइन करना। क्रिकेट एक्सचेंज को डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से डाउनलोड कर सकते हो और उससे अगर थोड़ा नीचे जाओगे तो मेरा टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, उससे हल्का नीचे मेरा इंस्टाग्राम है वो भी फॉलो कर लेना। बाकी अगर धोनी की फिनिशिंग पे वीडियो नहीं देखी तो ये वाली वीडियो देखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।